दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आइए, आपका इंतजार था। तो हमारे आज की डेट पे न्यू व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स सभी आज उपस्थित हो गए हैं फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस जानने के लिए कि क्या ये बैंक में पोटेंशियल है, कि आने वाले समय में ये बैंक भी कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। तो सभी लोग एक साथ बोलेंगे भारत माता की बोलो जय जय, ठीक है, हिप हिप हुर्रे, ठीक है। द फेडरल बैंक लिमिटेड की और मैं कुछ बात करूँ तो ये बैंक 1931 में जब बनी तो इसका नाम था ट्रावेनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड। अभी इसको जानते हैं फेडरल बैंक के नाम से। इट प्रोवाइड्स रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बैंक इस बैंक का नाम है। ट्रेजरी एंड फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस का भी ये कंपनी काम करती है। तो जनरली कंपनी का बिजनेस तो आपको पता चल गया। कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है 15.77% के हिसाब से, जो भी बंदे सीए इंटर में होंगे उनके ग्रुप टू में एक सब्जेक्ट लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वहां पर जब आप रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे या बीकॉम, जब आप बीकॉम में होंगे, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में पता होगा, तो वहां पर इसकी रेलेवेंस आती है 15.77%। अब इसकी एक्चुअल लाइफ में क्या रेलेवेंस होती है इसकी मैं नीचे चल के बात करूंगा। तो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है यहाँ से। अल्टीमेटली मैं आपको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बनाना है, आपको एक फाइनेंशियल नॉलेज, एक फाइनेंशियल एक्सपर्टीज ये आपके अंदर इंटरनली जनरेट हो जाए, यही मेरी हमेशा से कोशिश रहती है। कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट ना कि वेल्थ क्रिएशन में, बट ऑल्सो कि कहीं ना कहीं नॉलेज के क्षेत्र में भी आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, ये मेरी कल्पना है। तो मेरे मित्रों, इसी के साथ अगर आप हैं तो ये सीकेडी चैनल है मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 1000 सब्सक्राइबर नामक एक दीवार खड़ी हुई है, इसको मेरे मित्रों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके फाइनली एक काउंटडाउन आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक आप क्रांति स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि ये चैनल फाइनली 1000 सब्सक्राइबर की ओर पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब करे हुए हैं चैनल को तो थैंक्स इन एडवांस। एंड मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आगे शेयर करके इस चैनल को फाइनली 1000 तक पहुंचा सकते हैं। और देखिए 900 के आसपास ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं, केवल 100 सब्सक्राइबर पार। और मैं चाहूंगा कि आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ के पार हो फाइनेंशियल ईयर 2030 के आसपास, ठीक है। मार्केट कैप की बात करेंगे, 27,973 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में फॉल करती है मार्केट कैप के हिसाब से, पर फिर भी इस बैंक को एक पेनी स्टॉक के तौर पर देखा जाता है। करंट प्राइस 132 रुपए का है, हाई कंपनी ने 143 का लगाया, लो 82.5 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, देखो मेरा ये बैंक लाने का पर्पस ये था आपके सामने कि देखिए स्टॉक का जो पीई है कहीं ना कहीं जो इसके कॉम्पिटिटर है उनसे बहुत सस्ता है, जो कि केवल 10 के पीई मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। दैट्स वाई की कंपनी में पोटेंशियल दिखता है, ठीक है। यहां से कंपनी और भी ज्यादा कुछ बड़ा कर सकती है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, देखिए 91.60 रुपए के हिसाब से बुक वैल्यू चल रही है, ऑलमोस्ट कंपनी अपनी बुक वैल्यू का 2 गुना भी नहीं है। तो इसकी वजह से भी कंपनी के अंदर पोटेंशियल दिखती है कि कंपनी बहुत कुछ बड़ा यहां से भी कर सकती है। कंपनी डिविडेंड की बात करेंगे तो हर साल कंपनी डिविडेंड देती है, और जो डिविडेंड का परसेंटेज है 1.36% के हिसाब से है। डिविडेंड के पर्पस से आप इस कंपनी में नहीं रुक सकते, पर पोटेंशियल के हिसाब से इस कंपनी के अंदर रुका जा सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एक डिसेंट बोलते हैं कि वो भी कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो इस बैंक के अंदर ये अफसोस करने वाली बात है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत वीक है, बहुत वीक है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपए है, तो आने वाले समय में केवल आपको एक स्प्लिट देखने को मिल सकता है जो कि 1:1 हो सकता है। और जब मैं कॉन्स की बात कर रहा हूं यहां पर, तो आप ये देखिए यहां से कंपनी है जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वही मैं बात कर रहा था ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक। तो क्या है, लो है, ठीक है। कंपनी है जो डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो कंपनी का धंधा आएगा तो सेल ऑलमोस्ट इंक्रीज हो ही जाएगी। द कंपनी है जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10.9%, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कॉन्टिनजेंट लाइबिलिटी कंपनी के पास है। कॉन्टिनजेंट लाइबिलिटी मेरे मित्रों वो होती है जो बैलेंस शीट में, एक्चुअल बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसको एज अ नोट देना पड़ता है। नोट्स टू द अकाउंट्स क्या होते हैं, ये कॉमर्स बैकग्राउंड को अच्छे से पता है। फिर मेरे मित्रों, जो बैलेंस शीट क्रिएट होती है उसके नीचे जो पैराग्राफ होता है, तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्लोजर के तौर पे कॉन्टिनजेंट लाइबिलिटी को दिखाया जाता है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, ये बहुत दिक्कत वाली बात है मेरे मित्रों। अगर किसी भी कंपनी को, अगर उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब जो कंपनी ने लोन उधार लिए होंगे, अगर वो ब्याज पे ब्याज बढ़ता चला जाता है, तो कंपनी क्या करती है, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करती है। जब वो अगर वो कैपिटलाइज कर देगी तो उससे क्या होगा कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है इस कंपनी को। देखिए प्रोस एंड कॉन्स आप एक लाइन डालिए, कुछ कंपनी की अच्छी बातें होंगी, कुछ कंपनी की खराब बातें होंगी, तो जिसका वेट ज्यादा हो बस आपको वही डिसीजन लेना है। डिविडेंड पे आउट
लो है, पर फिर भी मेरे मित्रों मैं डिविडेंड पे आउट की यहाँ नहीं कंसीडर करूंगा। क्यों नहीं कंसीडर करूंगा? वो इस वजह से नहीं कंसीडर कर रहा क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत कम ही ऐसा होता है जो डिविडेंड देते हैं मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा एटलीस्ट ये बैंक डिविडेंड तो दे रहा है, ये अच्छी चीज़ है। HDFC बैंक की बात करूंगा, ICICI बैंक की बात करूंगा, कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, और सबके PE रेशियो देखते जाइएगा। ये देखिए PE रेशियो दिख रहे हैं ना, 13.32, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक। यस बैंक का देखिए कितना महंगा है, 58.33 के PE मल्टीपल पर ये ट्रेड हो रहा है। फेडरल बैंक वहीं केवल 10 के PE पर है, जो कि देखो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक, इतनी बड़ी बड़ी बैंकों के सामने भी इसका फेडरल बैंक का बहुत कम PE है। दैट मीन्स की कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आगे जाने की। इसी के साथ साथ अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो देखिए दिसंबर 2022 के क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं इस कंपनी के। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के सेल्स के ऊपर। दिसंबर 2022 के रिजल्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँगा तो जहाँ दिसंबर 2020 में 3,604 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, वहीं दिसंबर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 4,698 करोड़ का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ दिख रही है मेरे को, वो लग रही है 30 से 40% के ऊपर का ग्रोथ है। अच्छा है, 2 साल के अंदर 30 से 40% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, दिक्कत कोई दिक्कत भरी बात नहीं है। अब अगर मैं इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करूंगा तो दिसंबर 2020 में इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए, जहां 2076 करोड़ की इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ करती थी, वहीं आज की डेट पे देखिए इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट से जो इनकम है वो कितनी है, 2585। तो इंटरेस्ट जो इनकम है वो भी कंपनी के अंदर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। एक्सपेंस की बात करेंगे, जहां दिसंबर 2020 में एक्सपेंस 1444 करोड़ के हुआ करते थे, वहीं आज की डेट पे जो एक्सपेंस है 1544 करोड़ के एक्सपेंस है। देखिए एक्सपेंस में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पर उसके अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ये कंपनी के अंदर बहुत अच्छी चीज है, जिसकी वजह से ये शेयर मैंने यहां से सेलेक्ट किया। अब मैं प्रॉफिट की बात करूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मैं देखने की कोशिश करूंगा। यहां पर दिसंबर 2020 में देखिए, जहां कंपनी के 422 करोड़ का प्रॉफिट आता था, वहीं आज की डेट पे कंपनी के अंदर 856 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की अगर मैं अब बात करूं तो जहां 2.10 का ईपीएस हुआ करता था, वहीं आज की डेट पे ऑलमोस्ट 4 के आसपास, दैट मींस की 3.99 रुपीस पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर चल रहा है। तो मेरे मित्रों, अर्निंग पर शेयर में कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट है, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2 साल में डबल हो गया। तो आपको नहीं लगता है कि ये कंपनी बहुत कुछ आगे कर सकती है? इसके साथ साथ जो कंपनी के NPAs हैं, वहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, कंपनी ने अपने NPAs को सुधारा है। अगर यहाँ पर केवल एक दिक्कत है कि अगर इंटरेस्ट कॉस्ट जो लगी है कंपनी के अंदर, अगर उसको कैपिटलाइज कर लिया तो केवल एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ से। हालांकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20% से नीचे है, तो वही कंपनी का सेल्स में बात करेंगे वो इंक्रीमेंट है, नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, अर्निंग पर शेयर कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, जो कि दिखाता है कंपनी आने वाले समय में यहां से भी 30 से 40% का अपसाइड ले सकती है, और आने वाले समय में 10 से 15 साल में हो सकता है कंपनी यहां से कुछ बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिले। इसी के साथ साथ आइए कुछ और चीजों की अब बात करेंगे। यहां से मैं कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये भी प्लस पॉइंट है कंपनी का। शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो देखिए मार्च 2015 से लगा के आज तक देखेंगे तो शेयर कैपिटल में ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 171 करोड़ के जहां शेयर कैपिटल हुआ करती थी, वहीं आज के डेट पे 421 करोड़ के शेयर कैपिटल है। देखिए 344, 345, 397, 399, 399, 491, 494 शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट है। होप्स हो कि अगर आने वाले समय में शेयर कैपिटल में कंटिन्यूटी इंक्रीमेंट रही तो ये शेयर प्राइस बहुत आगे जाएगा। रिजर्व्स की बात करेंगे, 7,720 करोड़ का जहां मार्च 2016 में रिजर्वमेंट सरप्लस हुआ करता था, वहीं आज की डेट पे रिजर्वमेंट सरप्लस देखिए 2 गुने से भी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि 18,835 करोड़ का रिजर्वमेंट सरप्लस है मार्च 2022 के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, लगे रहिए गुरु ऐसे ही। बोरोविंग में थोड़ा सा एक कंसर्न है, चूंकि कंपनी का काम ही बोरोविंग देना है, हालांकि फिर भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग कंपनी के नहीं है, जो कि दिखाता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। हालांकि अगर मैं वही बात करूं, 12,528 करोड़ के बोरोविंग्स हुआ करती थी, पर फिलहाल आज की डेट पे इन्होंने वो भी खत्म करते हुए देखने को मिली है। यही रीजन है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर इस कंपनी का अट्रैक्शन बढ़ा है, और इसी वजह से कंपनी के अंदर ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप ये भी पाएंगे कि एज कंपेयर्ड टू अदर इसके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो इसके पीयर्स कॉम्पिटिटर हैं, उनके हिसाब से ये शेयर आज भी बहुत सस्ता है। अब अगर मैं कैश के फ्लो की बात करूँ तो देखिए 2015 में इसका कैश फ्लो जहाँ 250 करोड़ का हुआ करता था, वहीं मार्च 2022 में इसका कैश फ्लो देखिए कितना है, 1320 करोड़ का। मेरे मित्रों, आपकी नज़र यहाँ पे एनुअल रिटर्न पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनुअल रिटर्न के हिसाब से मार्च 2022 में अगर कैश फ्लो पॉजिटिव कैश फ्लो 1320 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला तो ये शेयर प्राइस तहलका मचा सकता है मार्केट के अंदर। हालांकि मैं मार्च 2023 में जब इसके एनुअल रिटर्न आएंगे फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा। बस केवल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको सारी जानकारी सबसे पहले CKD स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब मेरे मित्रों, अगर मैं बात करूं FIIs की होल्डिंग कंपनी के अंदर कितनी है, FIIs की न केवल होल्डिंग सितंबर 2020 से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, बल्कि आज की डेट पे ऐसा लगता है जैसे मार्च 2023 के अंदर जून 2020 में जो होल्डिंग 30% के आसपास FIIs की थी, तो वही आने वाले समय में हो सकता है 30% के हिसाब से FIIs की होल्डिंग वापस से हो जाए। पर फिलहाल
दिसंबर 2022 के अंदर कंपनी के अंदर FIIs की होल्डिंग कितनी है, 27.72% के आसपास होल्ड करके चलते हैं। DIIs की होल्डिंग की बात करेंगे, DIIs ने भी कंपनी के अंदर स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, पर फिलहाल सितंबर से अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो उन्होंने DIIs ने 2% के हिसाब से उन्होंने स्टेक को कम कर लिया। डेफिनेटली उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, पर फिर भी आज की डेट पर एक मेजर पोर्शन FIIs का इस बैंक के अंदर है, जो कि है 42.33% के हिसाब से। पब्लिक की बात करेंगे, जहां पब्लिक 31.89% के हिसाब से पब्लिक होल्ड करके चलती थी, वहीं पब्लिक आज की डेट पर 29.96% के आसपास पब्लिक होल्ड करके चल रही है। पब्लिक का भी एक मेजर हिस्सा है, तो डेफिनेटली ऐसी पब्लिक को रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि बैंक सस्ता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसर्न है, और कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीमेंट है। हालांकि लॉन्ग टर्म बोरोविंग बिल्कुल नहीं है, कंसर्न केवल एक चीज का बना हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। और दूसरा क्या कंसर्न है यहां पर, कि इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज ना हो जाए। वहीं आपको क्या देखना है, कैश फ्लो देखना 1300 करोड़ के ऊपर का जाना चाहिए, और जो FIIs की होल्डिंग है वो इंक्रीज होनी चाहिए। और मार्च 2023 में आपको क्या दिखना है मेरे मित्रों, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होना चाहिए, नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो आगे वो कंटिन्यू रहे, अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू रहे। अगर ये सारी चीज़ें किसी भी फंडामेंटल्स या किसी भी यानी कि फेडरल बैंक में अगर ऐसा काम हो जाता है, तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस यहां से भी इंटू टू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मेरे मित्रों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि 1,51,33,077 क्वांटिटी की टोटल ये क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 63,43,813 क्वांटिटी की टोटल डिलीवरी उठाई गई, और जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा वो 41% के आसपास रहा। दैट मीन्स कि धीरे धीरे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस बैंक से भी स्टॉक्स को उठा रहे हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बैंक में पोटेंशियल है। और डेफिनेटली फंडामेंटल्स थोड़े से वीक हैं, पर फिर भी पोटेंशियल दिख रहा है। ऑल टाइम रिटर्न की बात करूं तो देखिए 12,000% के आसपास इस बैंक ने भी आपको रिटर्न दिया है ऑल टाइम के। और अगर ऑल टाइम की जब मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए किसी जमाने में ये शेयर प्राइस, देखिए 1 फरवरी 2002 को ये शेयर प्राइस 1.21 रुपए के आसपास हुआ करता था। रिटर्न देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसीलिए कहते हैं जब आपने अगर एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को उठा लिया है, फंडामेंटल के हिसाब से वो बिल्कुल बिल्कुल वो मेंटल होकर खड़ा हुआ है, पर कहीं ना कहीं प्राइस में मोमेंटम अगर नहीं देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको उस शेयर पे, अगर वो शेयर नीचे गिर रहा है, दैट मींस कि वो शेयर नीचे नहीं गिर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ले 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 मेरे भाई, ले 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 ले, बस वो ले ले वाला गाना गा रहा है, कौन सा, ले 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 ले, सलमान खान का मूवी आया था ना, वो गाना गा रहा है। तो पर आप क्या करते हो कि आप उसे मुझ पर, अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं, तो क्या होता है जब वो शेयर आने वाले समय में भागता है, तो कहते हैं अरे ले, अब फिर वो कहते हैं अब ले, तो ठीक, तो आपको क्या करना है, उस चीज़ से दूर रहना है। एक फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी आपने पकड़ी हुई, तो डेफिनेटली आपको उस शेयर पे ट्रस्ट बनाते रहना चाहिए। और ये देखो, आप इस बैंक के अंदर तभी जाएं, देखिए किसी जमाने में ये 30 रुपये का हुआ करता था, वो गिर के 13 रुपये आ गया, ठीक है। ये देखिए गिरावट कितनी, देखो 44 रुपये का शेयर कहाँ आ गया वापस से, 38 रुपये, और फिर देखो ये 69 का शेयर कहाँ पर आ गया, ये 49, उसके बाद में ये देखो 108 का शेयर कहाँ पर आ गया, ये देखो 53, ओहो क्या गिरा है भाई। उसके बाद में ये शेयर कितना है, 122 रुपये का। अगर ये 122 रुपये का शेयर है, 100 रुपये के नीचे भी आ जाए, तो डेफिनेटली ताकि आपके पास इतना पैसा हो उस शेयर को एक्यूमुलेशन कर सको, इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप किसी स्टॉक्स के अंदर जाते हो, तो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट बहुत कुछ देता है मेरे मित्रों। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर जब मैंने विजिट किया, तो देखिए कितनी शानदार वेबसाइट बनी हुई है, द फेडरल बैंक। और इसको जब मैंने एनएससी पे सेलेक्ट करा, तो नाम लिखा हुआ द, क्या लिखा हुआ, द फेडरल बैंक लिखा हुआ है 8% के हिसाब से। ये देखिए स्विगी, ग्रेव, हैब, सेव है ना, ये फिक्स डिपॉजिट की स्कीम भी है, तरह तरह की स्कीम्स हैं। ये पहलवान साहब बगल में हाथ में हाथ डाल के खड़े हुए हैं। ये देखिए स्टेप अप, इसके साथ में ये कुछ सेलिब्रिटी हैं यहाँ पर। और ये देखिए 16 ये हैप्पी कस्टमर्स हैं। बैंकिंग आउटलेट हैं 1351537, कैश रिसाइकलर्स हैं, एंड 1359 ATMs हैं टोटल कंपनी के। असिस्टेंस को है, बैंकिंग है, इसी के साथ साथ कुछ एक फैमिली है बच्चे के साथ में अपने, और ये कुछ बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और ये देखिए कंपनी की इनडेप्थ जब मैंने एनालिसिस किया, कंपनी की वेबसाइट पर भी विजिट कराया, तो आप पाएंगे कि देखिए कितनी शानदार वेबसाइट भी है। इसी के साथ मित्रों, यहीं पर इस वीडियो को विराम देंगे। एक्चुअली आपका वीडियो बनाने बंद करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, और डेफिनेटली बहुत सारे व्यूवर्स कमेंट भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करते रहिए, मैं सभी का कमेंट देखता हूँ, और कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश भी करता हूँ। मेरे मित्रों, जो 1000 सब्सक्राइबर की दीवार है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप गिरा देंगे इस बार इसी वीडियो के माध्यम से ही। तो मेरे मित्रों, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं इनडेप्थ एनालिसिस करूंगा, एक नई बैंक को लेकर, एक नए शेयर से रिलेटेड। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों।